तो दोस्तों ग्राउंड के पास सुविधा स्वागत है आपका ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में भी कहाँ पर, पहाड़ों पर। तो मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर नीलगढ़ वाटरफॉल देखने के लिए, जिसमें अगर आपको आना है तो इसकी एंट्री फ़ीस लगेगी, जो कि रहेगी 30 रुपये। ये वाली एंट्री फ़ीस रहेगी, जिसका मैंने दिखा दिया है काउंटर पर कैसे लेनी है आपको। और ये वाला रास्ता है अगर आप बाइक लेकर आ रहे हैं, अगर आप पैदल आ रहे हैं तो यहाँ पर चढ़ के आना होगा। ये इसकी मैं आपको एड्रेस बताऊँ तो ये जानकी झूला राम झूला से करीब करीब पड़ेगा ये 6.5 किलोमीटर, और अगर बात करें तपोवन से, तपोवन से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और वाटरफॉल में जो है नीचे है, मैं ऊपर चढ़ा आया और मेरी बाइक की भी हालत ख़राब हो गई, तो अब जाऊंगा मैं वाटरफॉल का, देखते हैं एंजॉय करते हैं। बाकी मैं कुछ लेके नहीं आया, मैं इसी में नहा लूँगा गीले में और गीला ही पहन लूँगा। तो इसके बाद मैं गया वाटरफॉल में, वाटरफॉल में मैं नहाया क्योंकि बहुत सारे लोग नहा रहे थे और उनके साथ में कुछ और लोग भी आए थे, यानी कि सिंगल शायद अकेला मैं ही आया था, जिस वजह से मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ किसी ने नहीं ली, मैंने बोला भी नहीं किसी से। तो मैं चुपचाप जाकर वाटरफॉल में नहाकर और वापस आ गया, और आगे का अब सीन करते हैं, हम मिलते हैं आपसे कल। तो वाटरफॉल हमने देख लिया, और ये वाटरफॉल मैंने इसलिए आया, मैं वाटरफॉल वैसे मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि मैं ऋषिकेश 3 से 4 बार आ चुका हूँ, लेकिन वाटरफॉल की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। ऋषिकेश में कौन सा वाटरफॉल है, बस नाम सुना था नीलगढ़ वाटरफॉल है, नीलगढ़ वाटरफॉल 6 किलोमीटर पड़ता है, बस इतना नाम सुना था, वो देखना था इसलिए मैं आया। बाकी नहा लिया मैं, मेरे साथ में कोई है नहीं तो मेरे जो फ़ोटो खींच सके, इसलिए मैंने केवल वाटरफॉल की खींची ना, और किसी ने मेरी नहीं खींची फ़ोटो। चलो वो बात छोड़ो, ये देखो नज़ारे। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 26 तारीख, तो आज है अगला दिन, और आज मैं निकलूँगा यहाँ से सोनप्रयाग के लिए, यानी कि ऋषिकेश छोड़कर हम निकलेंगे आगे केदारनाथ की यात्रा के लिए। और केदारनाथ में जो बाइक जा सकती है वो केवल सोनप्रयाग तक जा सकती है, उससे आगे जो है हमें जीप करके, यानी कि बाइक टैक्सी जो होती है इनकी शेयरिंग टैक्सी, उसमें जाना होता है 50 रुपये का देकर गोरीकुंड तक। आज हम सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे, और टेम्परेचर वैसे 18 डिग्री, लेकिन ठंड इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि पहाड़ों में हम कहीं ग्राउंड पे नहीं है कि ठंड ना लगे 18 डिग्री टेम्परेचर में। तो यार नज़ारा बड़ा खूबसूरत है यहाँ का, पहाड़ों के बीचों बीच ना रखा है अपर तपोवन में, कुछ यहाँ बनने कुछ यहाँ बनने, देखो सामने में हाय। चलो इसे फ्रेश होते हैं यहाँ से और निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए, अपना कुछ आज तो पहन के आना पड़ेगा ऊपर से डबल, तब जाकर कुछ होगा काम, वरना तो ठंड में ठिठुर जाऊंगा मैं। मैं क्या लिखवाया देखो, वर्क ट्रैवल सेव रिपीट, ये मैं करता हूँ, काम करता हूँ ट्रैवल करता हूँ फिर पैसा बचाता हूँ फिर रिपीट करता हूँ। बाकी मस्त बना हुआ है ये हॉस्टल, ये देखो रीयूज़ करके मतलब चीज़ों को बनाया गया है। चलो जी हम निकलते हैं यहाँ से सुबह के, क्योंकि 6:30 बज गए हैं और मुझे वहाँ पहुँचने में शाम ना हो जाए, इसलिए जल्दी निकल लूँ तो फ़ायदे में रहूँगा। यहाँ एक ही नहीं बल्कि कई होटल बने हुए हैं, ये देखो इधर ये होटल ही होटल हैं। बाकी मैंने कल दिखाई दिया सारी चीज़ें आपको, मेरी बाइक वहाँ खड़ी हुई है, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से और अपनी बाइक उठा के चलता हूँ। हॉस्टल होबिथ होम्स स्पॉन्सर नहीं है, ऐसे ही आपकी मर्जी, आना चाहो तो आ जाओ, नेचर के बीच में है। तो बैग मैंने बांध लिया है, इस वाले बैग को जो है मैं टांग लूँगा, और हेलमेट तैयार है, सब चीज़ तैयार है, बस डर इस चीज़ का था कल कि इसमें कहीं पंचर ना हो गया, हो इस चीज़ का डर था क्योंकि ऐसे रास्ते पर चलाइए बेकार पे, जब नीलगढ़ वाटरफॉल गया था मैं इस चीज़ का डर था। खैर अभी लग नहीं रही हवा कम है, लेकिन होगी तो करवा लेंगे दिक्कत, इसलिए अगर आप बाइक से आ रहे हो या फिर अपने व्हीकल से आ रहे हो तो एक्स्ट्रा बजट रख के चलना चाहिए, ताकि कभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें काम आ जाए वो बजट, क्योंकि ऐसी इनएक्सेसिबल जगहों में क्या होता है, यहाँ तो खैर है एक्सेसिबिलिटी ऋषिकेश में, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे कहीं, यानी कि अगर आप कहीं ऊपर जाते हैं तो आपको हो सकता है ये सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलें,
पंचर भी हो सकता है कि 100-150 रुपये का लगाएं, तो इसलिए रखना चाहिए साथ में, ज़रूरी है। और कल मैंने किया था 200 किलोमीटर ड्राइव, और 200 किलोमीटर मैंने कल बाइक चलाई थी कहाँ से, गाज़ियाबाद से लेकर यहाँ ऋषिकेश तक, जो कि 216 किलोमीटर टोटल मैंने जो अपने से जो मेरे बाइक के मीटर से कैलकुलेट किया था। उसके बाद मैंने 10-12 किलोमीटर और चलाई थी ऋषिकेश घूमने के लिए, अपनी बाइक का इस्तेमाल किया था। और आज जो हमारा मिशन रहेगा वो 216 किलोमीटर यानी कि 208 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, तो हो सकता है 220 किलोमीटर मुझे बाइक और चलानी पड़े। और अभी टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट, हाँ अगेन टाइम हो रहा है हमारा, ये देखिए 5:38 ये हमारा टाइम हो रहा है। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ, चाहे दोपहर हो जाए चाहे 3-4 बज जाए, क्योंकि कल जो था, कल मैंने ऋषिकेश घूम घाम कर मैं शाम को 5 बजे सो गया था, इस वजह से आज मैं उठ पाया हूँ, ताकि अब शरीर में थोड़ी सी एनर्जी है, नींद पूरी हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों पर बाइक चलानी है और बाइक जो है 40-45 से स्पीड से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, तो इसलिए हम जो है थोड़ा धीरे ही पहुँच पाएंगे। इसलिए कोशिश करूँगा कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पहुँच जाऊँ, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकलूँ ताकि जाम मुझे ना मिले, और जितने जल्दी हो सके यहाँ से श्रीनगर तक पहुँचे। श्रीनगर में जाकर ब्रेकफास्ट करूँगा अपना, या हो सकता है कि यहीं पास में कर लूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं यहाँ से आगे की ओर बढ़ूँगा और बाकी सफ़र आपको दिखाऊँगा, बने रहिएगा वीडियो में। एंड केदारनाथ के भी दर्शन आपको करवाने वाला हूँ मैं अपनी वीडियो में। ओके, ये जो हॉस्टल बना रखा है इन्होंने, ये अपर तपोवन में पहाड़ों के बीचों बीच बना रखा है। यहाँ इनके हॉस्टल के जस्ट पीछे ही वाटरफॉल बह रहा है, छोटा सा वाटरफॉल बोलो या नाला बोलो, जो भी बोलना चाहें, शहर में तो नाला बोलेंगे शहर वाले होंगे तो, लेकिन ये लोग इसी से ही थोड़ा बहुत ये जो है अपना पानी लेते हैं टंकी के लिए, और इवन फिल्टर करने के लिए पीने के लिए वो इसी का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो है वैसे ये वाला रास्ता थोड़ा कच्चा है, लेकिन आगे देखेंगे तो रास्ता काफ़ी अच्छा तरीके से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई हॉस्टल बने हुए हैं, कई रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कई होटल बने हुए हैं यहाँ पर। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, अगर स्पॉन्सर होती तो मैं खुद मेंशन कर देता, लेकिन इस हॉस्टल का नाम है होबिथ हाउस हॉस्टल। और इसमें मैं अगर रूम की बात करूँ, कितने मेरे रूम का आया, तो एक रात का बंक बेड का जो मेरा खर्चा था वो था 256 रुपये का, तो 256 रुपये में मेरे को एक रात के लिए मिल गया। बस 24 घंटे के लिए मिलता है, लेकिन मैंने सोना ही था मुझे तो बस, ठीक है, क्योंकि मैं शाम को 4 या 5 बजे तक यहाँ पर आ पाया था ऋषिकेश। सो ये था मेरा एक्सपेंडिचर जो मेरा ऋषिकेश में किया मैंने, 256 रुपये में मेरे को ईजिली मिल गया। और ऋषिकेश इतना महंगा भी नहीं है, अगर आप booking.com का यूज़ कर करते हैं बुकिंग, तो आपको मिल सकता है। अगेन ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, अगर स्पॉन्सर करता है तो मैं खुद बता देता हूँ। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं और इस रास्ते को पार करते हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी बाइक पंक्चर ना हो जाए, क्योंकि एक तो मैं उतनी दूर से वहाँ से खींच के लेकर आया, उसके बाद मैं फिर नीलगढ़ वाटरफॉल गया था तो इसी रास्ते से होता हुआ गया था। बाकी आगे तक जाएंगे इसी रास्ते से ही, लेकिन अभी तो खैर शुरुआत है, देखते हैं। अब केवल हमें क्या करना है, स्टार्ट एंड बस क्लच दबाओ और चलते चलो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस का रिटेंशन नहीं बन पाता है, और वो वीडियोस को नहीं देखते हैं जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है, जिस मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है वो उन्हें पसंद नहीं आती है, वो जो है वीडियो की लेंथ देख कर ही वीडियो को पहले ही छोड़ कर चले जाते हैं। सो आई होप करता हूँ ये वाली वीडियो मैंने इसलिए छोटी रखी है कि आपको पसंद आए। और बाकी हमारा जो है यहाँ से सफ़र शुरू होता है, और यहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, बद्रीनाथ है यहाँ से 291 किलोमीटर, केदारनाथ है 223 किलोमीटर, तो मुझे 223 किलोमीटर तक यहाँ पर जाना है। 223 में से हम 23 किलोमीटर की ट्रैक काट दें तो 200 किलोमीटर लगभग मुझे यहाँ से जाना है। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, अगेन बोल रहा हूँ कमेंट जरूर करके जाना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको पूरा सफ़र दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी स्टार्ट किया है ऋषिकेश से और आगे सोनप्रयाग तक, क्या क्या नज़ारे पड़ेंगे, जो कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, श्रीनगर सब जगह होकर हम लोग जाएंगे, वहाँ तक मैं सारा आपको दिखाने वाला हूँ और सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। संगम पर स्वागत है आपका। संगम पर ये हम आ चुके हैं, संगम पर।
एक तरफ से आ रही है अलकनंदा, एक तरफ से आ रही है भागीरथी। भागीरथी का पानी कितना साफ है और अलकनंदा का देखो, और ये मिलके बना रही है गंगा।